हसीना मलिक के पास और भी ड्रग्स होने की संभावना। हाय संतोष जी, मेरी क्रिसमस। तो हमारी क्या दिवाली है, मुझे भी बोल। नहीं नहीं, तू तो अमावस है तेरी तू। संतोष जी, क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे आज क्रिसमस है, सांता क्लॉस का दिन है, कभी भी आते होंगे आपकी ख्वाहिश पूछने के लिए। तो बताइए क्या मांगने वाली है? मांगा तो है बट काश मिल जाए। अरे समझो, हो गई, आप मांग के तो देखिए। सांता क्लॉस सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं संतोष जी। वैसे आइडिया तो ये जानने का है कि क्या नहीं, किसे मांगने वाली है। किसे नहीं, ये पूछ क्या मांगने वाली हूँ। क्या मांगने वाली है? एक बहुत ही अच्छा, समझदार, स्मार्ट, इंटेलिजेंट प्लम्बर। मेरी क्वार्टर में है ना यार, किचन में जो नल है ना, बहुत टाइम से लीक हो रहा है। हजार प्लम्बर आकर उसे ठीक कर चुके लेकिन वो टपकना बंद ही नहीं करता है। मैं सांता क्लॉज से उस फरिश्ते का पता मांगूंगी जो मेरा वो नल जो टपक रहा है ना वो ठीक कर दे। अच्छा ये सब छोड़ी संतोष जी, आप ये बताइए कि आपने बुलाया था मुझे? हमने बुलवाया। ये खबर तुमने छापा? कौन सी खबर मैडम? एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। भूरी मछली के बाद सत्तू का रस पीने से तीन लोग गंजे हो गए। नमाओ बिल्ला। अरे नहीं, ये गलत खबर है। हाँ ये खबर है। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि SHO हसीना मलिक, जिनके पास ड्रग्स रखने, खरीदने और बेचने का आरोप है, उनके पास अभी भी भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप है जो उन्होंने कहीं छुपाई है। हाँ जी, तो चड्डे साहब जरा आप रोशनी डालेंगे इस विशेष विश्वस्त सूत्र पे। कौन है ये विश्वस्त सूत्र जो आपको ये घटिया बुनियाद खबरें दे रहा है हसीना मैडम के बारे में, उनको फंसाने का ये जाल बना रहा है, बताएंगे आप? देखो साफ साफ ना हमको सच बता दो सनी चड्डा, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम महिला पुलिस थाना के साथ हो और ऐसा रॉकेट बना के तुम यहाँ से टेक ऑफ होगे ना कि जिंदगी भर लैंडिंग नहीं होगी, वहीं हवा में घूमते रह जाओगे जिंदगी भर, समझ गए? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? अब भला मुझे कैसे पता होगा ये न्यूज़ किसने छापी? आप जानती है ना कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, किसी भी न्यूज़ चैनल में काम नहीं करता, और मेरा तो एक ही फंडा है, जहाँ मिले न्यूज़ का सबसे सही दाम वही अपना घर, वही अपनी दुकान। नहीं नहीं चड्डा, झूठ नहीं। हमने अखबार के एडिटर को फोन किया था, उनसे खबर हमको मिली है कि तुमने ये सब किया है। अब तुम बताओगे तुम्हें खबर कहां से मिला? वो क्या है तुम्हारा ये वर्ल्ड फेमस डायलॉग? ताजी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। हाँ तो बस अगर एक सेकंड के अंदर अंदर तुमने हमें सच नहीं बताया ना तो कल से एक नया लाइन होगा। हुआ करता था खबरों का एक अड्डा जिसको चलाया करता था सनी चड्डा। कहीं ऐसा तो नहीं है हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बोलने से मना किया? हमारे सही है, हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया है, क्या है ना सनी? सच चड्डे चड्डे, संतोष जी की कसम खा के बोल, सच बोल। एक मिनट, मेरी कसम क्यों? वो खबर के लिए कुछ भी बोलेगा मेरा क्या होगा फिर? संतोष जी आप क्या कह रही हैं? ओ सनी, संतोष जी की कसम खा के सच बोल। बोल। हाँ मैडम, सर ने मुझे बोला था ये खबर छापने को। करिश्मा जी, ये उन्हीं के कहने की वजह से हो रहा है। सस्पेंस। ये क्या सस्पेंस? हसीना मैडम पहले खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर खुद खुदी को गिरफ्तार करवाती है और फिर खुद खुद की खबर छपवाती है। ये क्या चल रहा है? अमा चल क्या रहा है? किस फिराक में हसीना मैडम, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैडम मैं बोल रहा हूँ ये हसीना मैडम का जाल है, उनकी तरह सोचना चाहिए तब हमें पता चलेगा उनका किससे चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। बिल्लू चंपत, तुमने सारी उलझनों को सुलझा के रख दिया है। हाँ, हमने हसीना मैडम की तरह ध्यान लगा के सोचा तो हमें समझ में आया ये पूरा जाल क्या है। मैडम प्लीज आप मुझे भी समझाइए ना, वरना मेरा सर ना दर्द से फट जाएगा। ये पूरा खेल ड्रग्स माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए बनाया गया है। हसीना मैडम को पता था कि बब्बन जैसे टटपंजे को पकड़ने से ये माफिया जो है ये जड़ से खत्म नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया ताकि वो समुंदर की बड़ी बड़ी मछलियों तक पहुंच सके। क्या जाल? लेकिन मैडम जाल ये है कि खुद को उन्होंने ड्रग्स पकड़वा कर अरेस्ट करवाया,
खुद को हम सबकी नजरों में, पूरे कानून की नजर में, पूरी दुनिया की नजर में सबसे खिलाफ हो गई और फिर खुद ही ये खबर छपवाई कि उनके पास ड्रग्स का इतना बड़ा खेप है, ताकि ये खबर सुन के जो समुंदर की बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो हसीना मैडम तक पहुँचे, और जैसे ही ये मछलियाँ हसीना मैडम तक पहुँचेगी तब हसीना मैडम क्या करेंगी? अरेस्ट। यस जी, सही सुना आपने, हमारे पास करोड़ों का माल है, करोड़ों के ड्रग्स हैं जो ऐसी जगह महफूज है जिसका पता सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जानता और जान भी नहीं सकता। अगर पकड़े भी गए तो माल महफूज रहेगा। हमने आप चारों को कांटेक्ट इसलिए किया है क्योंकि हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। हमारे पास जितना भी माल है, सारा का सारा माल हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बदले में आपको हमें यहाँ से निकालना होगा, इस सिचुएशन से, इस शहर से। 2 दिन के अंदर अंदर हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं, आप ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं, आप चारों, बहुत बड़ा कारोबार है आपका, नशे का कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ है, आपके पास सब कुछ है, पावर, पैसा, लोग, इसलिए इतना छोटा सा काम आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। सो क्या कहते हैं, डू वी हैव अ डील? पर एक मिनट मैडम, मैडम सर के पास तो ड्रग्स है ही नहीं, तो वो बेचेंगी क्या? संतु, मछलियों को जाल में फंसाने के लिए जितना चारा चाहिए था ना, उतना चारा डल चुका है। अब अगर इंतजार है ना, तो सिर्फ मछलियों के फंसने का। ग्रेट, सो द डील इज कंफर्म्ड, आज रात को मिलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम सर, मान गए आपको, मतलब एक ही झटका में ड्रग्स माफिया को खत्म करने का क्या प्लान बनाया है हसीना मैडम ने। ऐसी थोड़ी ना हसीना मलिक है वो, फर्ज के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने का जिगराना सिर्फ आप जैसी ऑफिसर में ही है मैडम सर, मान गए आपको और बहुत गर्व है आप पर। क्या वो पुष्पा जी, कुल्फी वाला है क्या बाहर? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहुत बुरा लग रहा है संतू, मैडम सर ने इतने नेक काम के लिए अपनी साख, अपनी वर्दी, अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया, मगर हमें शामिल करना तो दूर, हमें बताया तक नहीं कि वो इतना बड़ा जोखिम उठा रही है। क्या हम उनका परिवार नहीं है? क्या हम उनके अपने नहीं है? हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? दर्द होता है संतू, यहाँ बहुत दर्द होता है। कंट्रोल कीजिए थोड़ा, थाने में है, इतना इमोशनल होने का जरूरत नहीं है आपको। यही बात हसीना मैडम की तो अब समझ में आया हमको, कैसा फील होता है जब वो हमें नजरअंदाज कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है मिशन से, ऐसा ही फील करते हैं हम भी। आपकी बात छोड़िए, ये तो आपका रोज का रोना है, अभी की बात कीजिए। मैं शायद जानती हूँ कि मैडम सर ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने ना कहीं पढ़ा था पुष्पा जी कि एक महान लीडर कभी भी अपनी टीम की जान को खतरे में नहीं डालता, हमेशा खुद अपने सीने पर गोली पहले खाता है। मैडम सर ने भी वही किया। मैडम सर ने हम सबको इस केस से दूर रखा ताकि हम सब सेफ रहे। मैडम सर जानती थी कि इस केस में बहुत खतरा है और वो हम में से किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तुम क्या खा रही हो आजकल? तुम सिंघाड़े। बस वही खाओ और पुष्पा जी को भी खिलाओ, क्या ना ये खाकर तुम काफी अकल की बात कर रहे हो। ये बिल्कुल अकल वाली बात की आपने, और आप हमारी बात सुनिए। देखिए, आप हमारी बहू है, हाँ हाँ जानते हैं ये थाना है, यहाँ हम सास बहू नहीं है, मगर हम जो कहना चाहते पहले सुन तो लीजिए। देखिए, आप हमारी बहू है, मगर हसीना मैडम को भी कभी हमने हमारी बेटी से कम नहीं माना, इसलिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, आपकी सास पुष्पा सिंह की हैसियत से आपको ऑर्डर देते हैं। फिलहाल मैडम सर खतरे में है और आपको उन्हें सही सलामत सुरक्षित यहाँ वापस लेकर आना है। बहुत भौकाल भौकाल करती है ना आप, जाइए दिखा दीजिए अपना भौकाल। बिल्कुल लाएंगे पुष्पा जी, हम एक परिवार हैं और इस टाइम पे अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो काहे का परिवार फिर। हसीना मैडम चाहे या ना चाहे, लेकिन हम उनका साथ देंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। हसीना मलिक कहाँ है?
मैडम? हसीना मलिक कहाँ है? हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। मगर उन्हें तो दो दिन का समय दिया गया था ना खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अभी तो सिर्फ 12 ही घंटे हुए हैं। दिए गए थे लेकिन अब नहीं। पढ़िए इस खबर को। इस खबर के मुताबिक हसीना मलिक के पास और भी ड्रग्स हैं जो हमें उससे बरामद करने हैं। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग निकले हमें उसे अरेस्ट करना है। कहाँ है हसीना मलिक? नहीं है हसीना मलिक जी, यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही है ये मैडम। कल इन्होंने ही हसीना मलिक को अरेस्ट किया था और ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखो यहाँ तुम सबकी भलाई इसी में है कि बता दो कि वो कहाँ है, वरना बेकार में पूरा थाना ही इनकारी की लपेटे में आ जाएगा। परिवार कहते हो ना तुम सब इस थाने की टीम को, तो फिर तुम सब पर उसके पार्टनर होने का, उसे जानबूझकर यहाँ से भगाने का और ड्रग्स जैसे संगीन अपराध में उसकी मदद करने का इल्जाम लगेगा। और यकीन मानो इतना काफी होगा तुम सबका करियर बर्बाद करने के लिए। तो बताओ कहाँ है? मैं वादा करती हूँ कि रिपोर्ट में तुम में से किसी का भी नाम नहीं आएगा। सही कहा मैडम आपने, हम परिवार हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, पार्टनर्स हैं हम, परिवार है सांझा ही समझे। कोई बात नहीं, अब चाहे जो कहो बेशक मत बताओ कि हसीना मलिक कहाँ है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, अगर अगले 12 घंटों में हसीना मलिक वापस नहीं आए तो मैं खुद यहां से तुम सबको गिरफ्तार करके लेकर जाऊंगी। और फिर सिर्फ हसीना मलिक ही नहीं, तुम सबको भी जिंदगी भर के लिए जेल की हवा खिलाऊंगी और ये मेरा वादा है। वाह बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो जाते जाते आप हमारा भी एक बात सुनते जाइए, इतना गारंटी हम नहीं देते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर हसीना मैडम यहाँ वापस आ जाएगी, लेकिन इस बात का गारंटी जरूर देते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर ना हम उनको निर्दोष साबित करेंगे और ये हमारा वादा है। और पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है। अगर अगले 12 घंटों में हसीना मलिक बेकसूर साबित हुई तो ठीक, वरना ये थाना इस शहर के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा। हमारे होते ना ऐसा कभी नहीं होगा। 12 घंटे जल्दी कर संतू, मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में होंगी। लगता है मैडम सर के पास उनका फोन नहीं है, नंबर ट्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे हम कैसे पता लगाएंगे कि मैडम सर कहाँ है? देखो इतना तो तय है कि हसीना मैडम किसी ड्रग माफिया के कनेक्शन से मिलने गई थी, लेकिन कहाँ किससे कैसे ये कैसे पता लगाया? हम पता लगा सकते हैं, हम हैं बिल्लू द स्पा, मुझे सब कुछ पता है। ये ऐसे क्रिमिनल्स ऑफिस खोल कर नहीं बैठते, बैठ कर डील नहीं करते, वो डील करते हैं उस जगह को कहते हैं सॉफ्ट स्पॉट, जैसे कि गेट टुगेदर, इवेंट, फंक्शन, ऐसे भीड़ वाली जगह होती है, वहाँ ये लोग आते हैं, अपना डील करते हैं और निकल जाते हैं, और भीड़ की वजह से उन पर शक भी नहीं होता है। आज क्रिसमस है तो जगह जगह पार्टियाँ होगी और इन पार्टियों में डील होगी। मैं कैसा टोपा आदमी हो ना तुम, सबको पता है ये बात, यहाँ पे बिल्लू चंपत, लेकिन कभी कभी इतना टोपा गिरी वाली बात करते हो ना कि बच्चे कुछ बाल भी ऐसे नोचने का मन करता है तुम्हारे। पता है सबको क्रिसमस ईव है, हर जगह पार्टी हो रही है, लेकिन किस पार्टी में हसीना मैडम जाएगी वो कैसे पता लगाए? यही तो। क्या यही तो? सोचिए पुष्पा जी, सोचिए, ये हसीना मैडम का डील है, हसीना मैडम की तरह सोचिए, अगर हसीना मैडम को किसी के साथ डील करनी हो तो कहा करेगी, सोचिए। शहर का सबसे बड़ा पार्टी में डील करनी होगी उनको। यस दैट्स योर मतलब करेक्ट। संतू एक सेकंड, मैडम यही है वो जगह जहां आज रात शहर की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी होगी।
नहीं, मगर गारंटी क्या है कि डील इसी पार्टी में होगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना पुष्पा जी. कभी कभी कुछ चीज है ना, भोलेनाथ पे छोड़ देनी चाहिए. क्यों पुष्पा जी? जरूर. चलो, हो जाए आज पार्टी. हलवा है? है? हलवा, हलवा. यह पार्टी में हलवा कौन मांगता है? हाँ? निकलो, 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 निकलो. Oh, excuse me, sir. Yes, my child. Myself, Prem. A myself, build the spy. Ha, 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 ha. Halwa, halwa chahiye kya? No, no, my child, no. It's dangerous. ये लोग भी यही हैं. इनकी नजरों से बचकर रहना होगा. बिल्ला देख. पुष्पा है. हाँ, इस बार पुष्पा जी. क्या बार बार आप हमें बिल्ला बोल. अच्छा सुनिए. बोलिए. हमें नहीं लगता हसीना मैडम यहाँ आएंगी. हमारे पास वक्त बहुत कम है. कहीं और जाके ढूंढना पड़ेगा उनको. सुनिए, आप सही कह रही हैं. चलिए चलिए, यहाँ से चलते हैं. मैया की सासू मैया भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी. तो ये क्या कर रही हैं? अरे देख नहीं रही हैं आप? ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है. मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं. देखिए, आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते. हम जा रहे हैं इनको बताने.